गुड मॉर्निंग वेस्टिजियन, मैं मनीष वत्स आप सभी का स्वागत करता हूं कृषि ज्ञान पावर्ड बाय वेस्टिज एग्री के 70वें एपिसोड में। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्याज की फसल के बारे में। तो लास्ट टाइम में हमने बात की थी कि सीडलिंग ट्रीटमेंट के समय आप क्या इस्तेमाल करा सकते हैं। आज की जो नई टिप है वो है ग्रोथ फेज के टाइम पे, कि जब प्याज की फसल में ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, आपका सीडलिंग लगाने के 10 से 15 दिन के बाद प्याज की फसल में ग्रोथ फेज स्टार्ट हो जाता है, तो उस समय उसकी ग्रोथ अच्छे से हो, पत्तियां अच्छे से आए, नीचे प्याज अच्छे से बने, उसके लिए आप वेस्टिज के 3 प्रोडक्ट इस्तेमाल करा सकते हैं। सबसे पहले तो एग्री ह्यूमिक आप इस्तेमाल करा सकते हैं 30 से 40 ml 15 लीटर पानी में। ह्यूमिक क्या करता है, आपकी फसल में जब ग्रोथ का समय होता है उस समय जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट चाहिए, आवश्यक पोषक तत्व चाहिए, उनकी उपलब्धता कराने में मदद करता है। और दूसरा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करा सकते हैं एग्री गोल्ड, जिसकी डोज रहेगी 30 ग्राम 15 लीटर पानी में। गोल्ड क्या करता है, आपकी फसलों में जो स्ट्रेस आता है उससे आपकी फसलों को बचाने में मदद करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है। तीसरा प्रोडक्ट रहेगा आपका एग्री 82। जैसे कि आप सभी को पता है 82 क्या है, एक्टिवेटर है। आप इसको जिस भी प्रोडक्ट के साथ यूज़ करेंगे उसकी क्षमता को, प्रभाव को, फैलाव को बढ़ाने में मदद करेगा। तो 82 की डोज रहेगी 5 से 10 ml 15 लीटर पानी में। इन तीनों प्रोडक्ट को आप एक साथ एक टैंक में डाल के स्प्रे में आप यूज़ कर सकते हैं ग्रोथ के टाइम पे, प्याज की फसल में 10-15 दिन के बाद जब उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। जिससे फ़ायदा क्या होगा कि उसमें पत्तियां अच्छे से आएंगी, उसमें कलर अच्छे से आएगा, उसमें वज़न अच्छे से आएगा, उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको टिप समझ में आई होगी, आप इनको शेयर करेंगे अपनी टीम के साथ, अपनी डाउनलाइन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ।